वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश बर्फ है कि रुकती नहीं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर का यह हाल है कि बर्फ वहां पर रुकती नहीं। जिंदगी है कि आगे चलती नहीं। जिंदगी चले भी तो कैसे। नवंबर से शुरू हुई बर्फबारी जनवरी तक जारी है और इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि जनजीवन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 15 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। उत्तराखंड में पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा बर्फबारी इस बार दर्ज की गई है। पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी हर तरफ बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ में दबता हुआ चला गया है ये पूरा का पूरा इलाका। हिमाचल में भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी हो रहा है। ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए मौसम की ताजा बर्फबारी ने कैसा मंजर इस वक्त खड़ा कर रखा है। शहर के बीच बर्फ, बर्फ के बीच शहर, बर्फ के ही शहर हैं कि शहर ही अब बर्फ। उपमा, उपमेय, उपमान, सब बर्फ, बर्फ, बर्फिस्तान। ये नई पहचान है देवभूमि उत्तराखंड की। मानो हरियाली से भरे पहाड़ों पर कुदरत ने सफेद पेंट से ब्रश चलाया हो। निगाह थक जाएगी मगर बर्फ की सरहद नजर नहीं आएगी। ठीक वैसे जैसे समंदर का दूसरा छोर कभी नहीं दिखता, ये बर्फ का समंदर है। आज हम आपको उत्तराखंड के शहर शहर, गांव गांव ले चलेंगे और देखेंगे बर्फ का तांडव, बर्फ का कथक, बर्फ से हर्ष, बर्फ से विषाद। इस सफेदी के कई रंग हैं। वो सारे रंग हम आपको नैनीताल, बागेश्वर, धनौल्टी, चकराता, टिहरी, रुद्रप्रयाग से लेकर पिथौरागढ़ तक की बर्फीली सैर कराएंगे। अब आप नैनीताल में हैं, ये बारिश नहीं बर्फबारी है। जो यहाँ आए हैं उनके लिए मौजा ही मौजा। थरथरा देने वाली ठंड में पैर जब मस्ती के लिए थिरक उठे तो उस लुत्फ का क्या कहना। इंसान सज धज कर, थर्मल वियर पहनकर, जैकेट डालकर सर्दी से जूझने के लिए पूरा लैस होकर लुत्फ ले रहे हैं। मगर ये जानवर कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बचें? खैर, ये नैनीताल है, इसका अपना धमाल है। कोई कुछ और क्यों सोचे जब कुदरत का करिश्मा आसमान से बरस रहा हो। इसका हम वेट कर रहे थे कब से और बहुत टाइम बाद ये सीन है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो फॉर इट है, आई एम वेरी डेस्परेट फॉर इट, और आज मेरे किसी के तरह ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच गॉड जी, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ये हालात हैं बागेश्वर के। क्या मकान, क्या दुकान, क्या रास्ते, क्या चौराहे। कार बेकार, इंसान बेजार, कहीं चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। जमी बर्फ ने ऐसा जमाया है जैसे उसने फरमान सुनाया है कि निकलना मत, तुम नजर बंद हो। रास्ते साफ तो किए जा रहे हैं मगर जितनी बर्फ हटती है उतनी और गिर जाती है। बर्फबारी रुके तो जिंदगी चले, प्रशासन करे तो क्या करे। कुआरी, बदियाकोट, तीख, वाछम, किलपारा और इन क्षेत्रों में, शामा क्षेत्रों में लगातार जो है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण शामा कीमू क्षेत्र में अभी विद्युत व्यवस्था भी हमारी वहाँ बाधित है और विभाग के द्वारा जो है बर्फबारी रुकने पर तुरंत उसमें विभाग द्वारा कार्मिक भेजे जाएंगे और सुचारू करने का कार्य किया जाएगा और विभाग के द्वारा जिसी भी मशीन संबंधित क्षेत्रों में तैनात की गई है और उन्हें सुचारू करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। अब नजर दौड़ाइए धनौल्टी पर। आम दिन होते तो आप इन वादियों को देखकर जान जाते, पहचान जाते कि ये जगह कौन सी है। अब ये अखंड बर्फिस्तान का हिस्सा है। इन पेड़ पौधों को देख रहे हैं आप, मानो ये भी खैरियत की दुआ मांग रहे हों। बाबा भोले तो खैर बर्फवासी हैं ही। हमारे कैमरों की नजर के साथ नजर मिलाते रहिए और नजारों को निहारते चलिए। जो फंस गए वो बुरे फंसे, जैसे ये गाड़ियां, जैसे इनके भीतर लोग। चक्राता में स्नो कटर अपने काम पर लगा हुआ है, जैसे वो बर्फ का काम तमाम कर देगा, रास्ता बना देगा साफ सुथरा चौचक। मगर यहाँ बर्फ की हुकूमत है, इसे उठाकर कहाँ ले जाओगे, ले भी गए तो आसमान फिर उड़ेल देगा। चक्राता ऐसे खनचक्कर में फंस गया है कि देश दुनिया से इसका संपर्क टूट चुका है। बर्फ कह रही है कि हमारा राज है क्योंकि हमारा आज है।
हाँ, जैसा कि चकराता के आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ये लोखंडी वाला बंद है, त्यूनी वाला मार्ग बंद है, इधर से मसूरी वाला रास्ता भी बंद है, जिस कारण से काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। अभी संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा स्नो कटर लगवाया गया है, जेसीबी लगवाई गई है जो अपना कार्य कर रही है, और जल्दी मार्ग खुलने की उम्मीद है। बर्फबारी होने के कारण लगभग 100 से 150 गाँव का संपर्क जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से टूट गया है, और इससे निपटने के लिए प्रशासन ने स्नो कटर भी लगा रखा है, जिससे रोड खोलने का कार्य जारी है। टेरी नई दास्तान सुना रहा है। इन गांवों में गए कई सालों से बर्फ नहीं पड़ी, इस बार पड़ी है तो टूट कर पड़ी है। चूंकि अरसे का इंतजार खत्म हुआ है, इसलिए खुशी है। ये खुशी इन चेहरों पर पड़ी है। इस गांव का तन चांदी जैसा हो गया है, मन सोने जैसा। अब इस कार को देखिए, किस तरह से इस पर हक जमा कर बैठी है बर्फ। मगर मौसम वैज्ञानिक बर्फ की इस हुकूमत को बहुत अच्छा मान रहे हैं। देखिए, अभी जो हमको बारिश या बर्फबारी की अभी तक की बात करें, दिसंबर से लेके और जनवरी में भी अभी तक जो पीरियड हुआ है, तो 2-3 स्पेल्स मिल गई हैं, तो अच्छा हो रहा है। उस तरह से आप देखेंगे रेन या स्नो की बात करेंगे, और अभी जो ये स्पेल हमारी रही 6 से लेके 8 तक की, तो 8 तारीख को आपने देखा कि जो स्नोफॉल अच्छी हुई है, खासकर 8 तारीख में, और वो काफ़ी लोअर हाइट तक भी जो है वो हमको मिली। रुद्रप्रयाग के लिए यह खुशी से गम तक का सफर है। इस मौसम में गजब की बर्फ पड़ी है। पहले खुशी थी, पर्यटक आएंगे, कमाई होगी, मौज होगी, मगर बर्फ फौज की तरह नाकेबंदी कर बैठ गई, तो जान माल पर बनाई। और यहाँ पे पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीण अपने घरों में कैद हो रखे हैं, और जो मोटर मार्ग है भारी बर्फबारी के कारण यह भी अवरुद्ध हो चुका है। आप मोटर मार्ग की हालत पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल जो लोगों के चलने के निशान है केवल वो दिख रहे हैं। तो कई सारी समस्याएं भी हैं, और आनंद तो है ही, बहुत सुंदर इस समय प्रकृति का ये मौसम, बर्फ से ढका हुआ ये पूरा गांव। बीते 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से सूबे के 5 नेशनल हाईवे पर लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। बर्फ से नहाया हिमाचल का नारकंडा, नजारे देखने में खूबसूरत है मगर महसूस करने में नहीं, झेलने में नहीं। यहाँ की हकीकत हाहाकारी है। जैसे ये भाई साहब फंस गए हैं बुरी तरह। अब ये आफत को गले लगाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। मनाली की मनमोहक छटा देखने आए इन सैलानियों को माइनस वाले तापमान में भी पसीने छूट रहे हैं। बर्फ देखने के सारे उत्साह को रास्तों ने लूट। अब गाड़ियों को बर्फ के हवाले कर देने के अलावा कोई चारा नहीं। या तो ये अपनी कार बचा सकते हैं या खुद को मौसम की मार से। उधर सोलन में सीजन की ताजा बर्फबारी हुई है। दो ही रंग दिख रहे हैं, श्वेत और श्याम, मानो बाकी सारे रंगों की छुट्टी हो गई। बर्फ से बिछी सड़क पर जब कार को धक्का लगाना पड़े तो इसे कहते हैं मुसीबत। मगर असली मुसीबत सैलानियों को नहीं, स्थानीय लोगों को है। कामकाज ठप है, बिजली गुल, सड़कें बर्फ में सो गई, यहाँ होता तो क्या होगा। बर्फबारी रुके तो जिंदगी आगे बढ़े, बर्फबारी रुकती नहीं, मानने को तैयार नहीं, और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है पहाड़ों में।